ताजमहल जिसे अरबी में महलों का ताज कहा जाता है। वैसे तो ताजमहल के बारे में काफी हद तक जानकारी लोगों को है, लेकिन ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे अफवाहें हैं जिन्हें सब सच मानते हैं। जैसे कि शाहजहां ने सच में एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, और क्या ताजमहल बनने के बाद कारीगरों का हाथ सच में काट दिया गया था, या फिर सभी कारीगरों को एक कागज पर हस्ताक्षर लिया गया था ताकि ऐसा इमारत दोबारा ना बन सके। कुछ ऐसे ही ताजमहल से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आप जानोगे इस वीडियो में। मुगल काल में बनी ताजमहल एक ऐसा इमारत है जिसका निर्माण सफेद संगमरमर पत्थर से किया गया है, और इसे बनने में करीब 22 साल लगा था। इसे बनाने के लिए सिर्फ भारतीय मजदूरी नहीं बल्कि तुर्की और फारसी के मजदूर ने भी काम किया था। आगरा में स्थित ताजमहल एक ऐसा लकड़ी के आधार पर बनाया गया है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत होती है, और इस नमी को यमुना नदी बनाकर रखती है। ताजमहल जाने वाले मुख्य मार्ग के बीच जो फब्बारे लगाया गया है वो किसी पाइप से नहीं जुड़ा है। हर फब्बारे के नीचे तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं, और जब प्रेशर बढ़ता है तब ये फब्बारे पानी छोड़ते हैं। ताजमहल को बनाने के लिए करीब 8 अलग अलग देशों से सामान लाया गया था, और इसकी निर्माण सामग्री उठाने के लिए करीब 1000 हाथियों का सहारा लिया गया था। औरंगाबाद में ताजमहल का एक डुप्लीकेट भी बना हुआ है जो कि मिनी ताज के नाम से जानते हैं। असल में ये बीबी का मकबरा है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत और पाकिस्तान के समय ताजमहल को कपड़े और बांस की लकड़ियों से ढक दिया गया था ताकि इसे दुश्मन के हमलों से बचाया जा सके। इस काम को करने में पुरातत्व विभाग को लगभग 20 दिन लग गए थे। ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। अब में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं होगा, यदि आपसे पूछा जाए कि ताजमहल ऊंचा है या कुतुब मीनार, तो आपका उत्तर हमेशा होना चाहिए कि ताजमहल ऊंचा होगा। ताजमहल का रंग बदलता रहता है, सुबह गुलाबी, रात को दूधिया सफेद, और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। ऐसा इसके सफेद संगमरमर पत्थर के कारण होता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है। इसीलिए सरकार के आदेश अनुसार इसके आसपास डीजल और पेट्रोल के वाहनों पर रोक लगा दी गई है। पूरे विश्व में ताजमहल सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इमारत है। ताजमहल को एक दिन में लगभग 12,000 लोग देखने आते हैं। लेकिन ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे अफवाहें हैं जिन्हें सब सच मानते हैं, जैसे कि ये काला ताजमहल। ये अफवाह यूरोप यात्री जीन बैप्टिस्ट से जुड़ा है जिसने साल 1665 में आगरा की यात्रा की थी। उन्होंने दावा किया था कि शाहजहां ताजमहल जैसा ही एक मकबरा काले संगमरमर से बनवाना चाहते थे। हालांकि अपने बेटे औरंगजेब द्वारा अपमान किए जाने से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस सिद्धांत का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जो इन कहानियों को सच साबित कर सके कि वास्तुविदों को अंधा कर दिया गया था, इसे बनाने वाले मजदूरों का हाथ कटवा दिया गया था ताकि दोबारा ऐसा अजूबा ना बन सके। और ऐसा भी कहा जाता है कि सभी कारीगरों का एक कागज पर हस्ताक्षर करवाया गया था ताकि दोबारा ऐसा इमारत ना बन सके। हालांकि इन सब बातों का कोई सबूत नहीं है। ये सब बातें एक कहानी इसलिए लगता है कि उस्ताद अहमद लाहौरी जो आर्किटेक्ट टीम के सुपरवाइजर थे, उन्होंने बाद में लाल किला की भी डिजाइन तैयार किया था, और अगर मजदूरों का हाथ ना होता तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बनता। हो सकता है कि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों का काफी बड़ा इनाम दिया था, और इसलिए मजदूरों ने ऐसा कहा है कि बादशाह ने तो हमारे हाथ ही कटवा दिया। ताजमहल के आसपास बहुत सारा कहानियां घूमती है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि ये तो मुगल काल के समय से भी पहले मौजूद था। इन सब बातों का कोई सबूत आज तक नहीं मिला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों ही इन सब बातों से संबंधित याचिकाएं ठुकरा चुका है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।